कि जॉब नहीं कर सकती थी, बट हस्बैंड सपोर्टिव मिल गए, MBA किया है मार्केटिंग में। MBA करने के बाद हर किसी को लगता है कि जॉब तो करेगी, बट पापा चाहते थे कि जॉब ना करो कभी। फिर एक साल में उन्होंने शादी करा दी एंड हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव, तो उनकी वजह से कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस आ गया। 10 महीने कॉर्पोरेट IT कंपनी में काम किया, 10 महीने में रियलाइज हुआ कि आई एम नॉट मेड फॉर जॉब, बिल्कुल नहीं कर सकती, आई एम मेड फॉर बिजनेस, क्योंकि बचपन से सिर्फ बिजनेस देखा है, तो कहाँ पे जाके जॉब करूँ, कहाँ पे 8 से 8 तक रोटू खुद को, क्योंकि बोलने के लिए 9 to 5 जॉब होता है, बट आप सुबह घर से कितने बजे निकलते और आते कितने बजे आपको भी पता है, राइट? तो वही सब चीज़ें देख के मैंने डिसाइड किया कि आई ज्वाइन माई हस्बैंड का खुद का बिजनेस है, उसको मैं ज्वाइन कर लूँगी। वो बिजनेस को ज्वाइन किया, फिर भी 2-3 घंटे 4-5 घंटे हाथ में हर दिन रहते थे। कोइंसिडेंटली तभी मेरी अपलाइंट क्रिस्टीना मुझे अप्रोच की एंड इट वॉज ओरिफ्लेम बिजनेस, तो आई थॉट कि लेट्स डू इट, गिफ्ट्स मिल रहे अच्छे खासे। फर्स्ट वीक में एक टोट बैग आ गई थी मेरे को, टोट बैग एक चलती आ, तो वो आ गई, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। बट सारी एक्टिविटीज़ देख के आई गॉट इंस्पायर्ड कि लेट्स डू इट, इट्स नॉट ओनली अबाउट सेल्स एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट गिफ्ट्स, इट्स मोर अबाउट नेटवर्किंग टू, एंड आई एम वर्किंग विथ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट दैट इज ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ऑनलाइन नेटवर्किंग। तो उसमें जो 10 महीने काम किया था उसी का एक्सपीरियंस यूज करके इसमें काफ़ी अच्छा खासा सक्सेस मिल गया। 1 महीने में मैनेजर बन गई, 2 महीने सास ससुर के साथ घूमने चली गई तो वो सिर्फ 12% ही मेंटेन हुआ। 3rd month मैंने 15 और 18 साथ में कर लिया, इन June month आई डिड माई 15 and 18 साइमल्टेनियसली। 4th month आई बिकेम अ सीनियर मैनेजर। इसके बाद क्या आगे और सपने बढ़ने ही चाहिए। एक होता है हॉरिजॉन करना अपने ड्रीम्स को, ड्रीम्स पहले छोटे थे, 4-5 साल में एक फॉरेन ट्रिप मिल गई तो भी बड़ी बात है, अच्छा है यार, और क्या चाहिए। बट अभी है कि हर साल एक ट्रिप तो चाहिए ही चाहिए। उसी के साथ मेरे सपने बन गए, आई वॉन्ट टू एम्पावर मोर एंड मोर लेडीज, इतनी सारी लेडीज को मुझे एम्पावर करना है, क्योंकि इसमें मुझे सेटिस्फैक्शन जिस लेवल का मिल रहा है, अच्छी खासी नींद लगती है 7 घंटे की, फिर 18 घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाती हूँ, घर पे बैठ के काम ही करना है तो आराम से हो जाता है। आई एम वर्किंग 18 आवर्स अ डे, तो लोगों को लगेगा क्या बोल रही है भैया, बट या आई एम डूइंग दैट एंड इट्स गिविंग मी सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट इज एज आई टोल्ड यू, हर एक को यहाँ पे ओरिफ्लेम में एक रीज़न भी है कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास कॉन्फ्रेंसेज होते हैं। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है यहाँ के कॉन्फ्रेंस में आपको सिर्फ पैम्पर किया जाता है, मतलब अगर कभी भी किसी की टेस्टिमनी सुनिए जो फॉरेन घूम के आए, दे ओनली टॉक गुड थिंग्स अबाउट ओरिफ्लेम, या तो मुझे भी जल्द से जल्द मेरी नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप करनी है। आई वॉन्ट टू बी 18 टिल आई डाई, इट मीन्स एक टीनेजर जो होता है वो उसमें जो इंथुजियाज्म होता है, यू कैन कनेक्ट मी राइट, जिस जो उनमें इंथुजियाज्म होता है वही इंथुजियाज्म मुझे मरते दम तक रखना है, वही पैशन वही अग्रेशन। 18 साल का बच्चा जैसे होता है ना, ये करना है वो करना है, आई वॉन्ट टू डू द सेम, आई जस्ट वॉन्ट टू डू एवरीथिंग, जो आया वो सब करना है। और इसलिए मुझे वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है अच्छी खासी, मुझे 5 महीने में रियलाइज हो गया। यहाँ पे काफ़ी लोगों को साल हो गए तो उनको तो पता ही है, जो नए हैं आई एम बेस्ट एग्जाम्पल, ट्रस्ट मी। MBA करने के बाद भी रियलाइज होता है कि ओरिफ्लेम से अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं और नहीं मिलती। ये है फन, दिस इज मलेशिया का वन ऑफ द टॉप कैसीनो है, वहाँ पे मुझे जाना है। वहाँ पे मैं जब गई थी तब मुझे कुछ करने को नहीं मिला था, अभी मेरे हस्बैंड के साथ जाना है, लीगल परमिशन लेके बहुत क्या बोलूँ, सिर्फ एंजॉय करना है। एंड जैसे एक हिंदुस्तानी लड़की होती है, शी वॉन्ट्स टू बी अ मदर राइट, उसका सपना होता है पहले शादी करने का, फिर घर बसाने का, फिर बच्चे। यस, इवन आई प्लान फॉर द सेम थिंग राइट, हर कोई यहाँ पे चाहता है मम्मा बनना, इवन आई वॉन्ट टू बी दैट, और वो ओरिफ्लेम से आराम से पॉसिबल है, क्योंकि मुझे करियर भी करना है और फैमिली भी अच्छे से मैनेज करनी है, और ये दोनों चीज़ें ओरिफ्लेम में आराम से होने वाली है, क्योंकि मेरे हाथ में मुझे अभी 18 घंटे कर लूँ, तब 4 घंटे कर लूँगी, टीम सेटल हो जाएगी तब तक।
करूंगी प्लान. नेक्स्ट कम्स व्हाट, व्हाट इज माय सीक्रेट. हाय एवरीबॉडी एक्साइटेड, पढ़ लिया. आई एम वर्किंग फुल टाइम डिजिटल, तो जाना आना कहीं पे कुछ नहीं है, घर पे बैठ के आराम से कर रही हूँ. सेकेंड कम्स आई वर्क 10 to 12 आवर्स. माई टीम वर्क्स 10 to 12 आवर्स क्योंकि सारे मम्मा है. कोई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले रहा है और जॉब कर रहा है तो उनको पॉसिबल नहीं है कि 10-12 घंटे 15 घंटे दें, बट फिर भी 4-5 घंटे लेते हैं. उसमें से एक मेरे साथ है जो फुल टाइम काम कर रही है, फिर भी 18% मैनेजर है, वो भी 4 महीने में. थर्ड कम्स फॉलोअप्स. यहाँ पे फॉलोअप्स कस्टमर के भी होते हैं एंड आपके कंसल्टेंट्स के भी होते हैं. दे आर योर फैमिली. जैसे फैमिली को आप हर एवरी नाउ एंड देन कॉल करके पूछते रहते हो कि हाउ इज एवरीबॉडी एट होम, सब ठीक ठाक है. मैं अभी ससुराल में हूँ तो मैं पूछ रही हूँ, राइट? तो वही काम आपको करना है. यू जस्ट हैव टू बिल्ड अ गुड रिलेशन, दैट्स इट. देन कम्स बी योरसेल्फ. इफ आई ट्राई टू कॉपी योरसेल्फ या किसी को भी कॉपी कर लूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती. दिस इज माई जस्ट 6th month. यहाँ पे मैंने किसी को कॉपी किया होता, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती. यहाँ पे मैं इसीलिए हूँ, जस्ट बिकॉज आई एम माई सेल्फ. जस्ट बी योरसेल्फ एवरीवन. Now what next? This is 2018. I have good team of managers, but yes, before 2018, 3 months मेरे पास. I want to start my senior role. Okay. 3 senior manager निकालने हैं. I know it's pretty difficult, but कर लेंगे. Definitely. Okay. This is my team. ये जुलाई मंथ का है जब मैं 22% बनी थी, तब मेरी अपलाइन प्रियंका भाटिया ऑल द वे पुना दिल्ली से पुणे आई थी. तो दीज आर माई 2 pillars. क्रिस्टीना द वन हु इंट्रोड्यूस मी टू ओरिफ्लेम, उन्होंने मुझे एथिक्स, पैशन एंड मोर इम्पॉर्टेंट एक होता है कि आपको ट्रू लीडर कैसे होना चाहिए. आई एम वेरी अग्रेसिव, उन्होंने मुझे इतना शांत कर दिया कि अभी आई एम लाइक एकदम कोल्ड कॉफी बन गई. नेक्स्ट कम्स प्रियंका. एक होता है, मैंने जैसे बोला कि 4-5 साल में एक फॉरेन ट्रिप का सपना था, वो 5-6 साल का, 4-5 साल का अभी हो गया. साल में 2-3 ट्रिप चाहिए, एक ट्रिप तो भी चाहिए, वो एक हो गया. एंड शी वॉज द वन हु सॉ एक्चुअल पोटेंशियल इन मी. एक हीरे को वही समझ सकता है जो जोरी होता है, वो खरा हीरा कौन सा है, वो जो पहचाने का काम किया है, वो काम प्रियंका ने किया है. उसने मेरे पोटेंशियल देखे. When I was not even 9% first month में, that time she called me and she was like, let's do it girl. And हो गया, आराम से हो गया. And my hard working team. That's it. Yes. Thank you everyone.